Hi my YouTube family, this is Shivi and welcome back to my channel. की वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा ऑसम मेकअप डेली मेकअप रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे किस तरह से अभी नाउ क्योंकि मैं मैरिड हूँ और अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो भी आप ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं अगर आप मार्केट जा रहे हैं या फिर आप घर में ही न्यू हैं ब्राइडल हैं नई दुल्हन जो होती हैं वो अपने घर में किस तरह से मेकअप कर सकें और क्योंकि जब हम न्यूली मैरिड होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है कुछ ना कुछ हमें लाइफ हमारी चेंज हो जाती है पूरी तो हमें इतना टाइम नहीं होता है कि हम मेकअप आराम से बैठ करके कर सकें एक या डेढ़ घंटा ले सकें तो फटाफट से अगर आप 5 मिनट के अंदर मेकअप लुक क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये जो मेकअप लुक मैंने अभी क्रिएट किया है ये आप आसानी से कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस भी आप दिखेंगी साथ ही साथ बहुत ईजी है कम प्रोडक्ट के साथ हो जाएगा कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है फटाफट से आपके पास कुछ प्रोडक्ट होंगे उनके आप अपने इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हैं सो मैं डेली रूटीन में अपना मेकअप लुक क्या रखती हूँ और कैसे करती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे कि जो भी मैरिड अभी न्यूली मैरिड है वो इजीली अपना जो मेकअप लुक है वो क्रिएट कर पाए और उनको कोई भी हैजल ना हो कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए सो अगर वीडियो को आप एंड तक देखते हैं तभी आप इस मेकअप लुक को बहुत ही अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा स्किप नहीं करना है और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे कि आगे आप और भी ऑसम वीडियोस देख पाएँ और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी कॉमेंट कीजिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मैं आप अगर मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मेरा फेसबुक पेज भी है उस वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पेज को लाइक कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सो चलिए बहुत सारी बातें हो गई फटाफट से देखते हैं ये मेकअप लुक कैसे मैंने क्रिएट किया है और आप कैसे कर सकते हैं सो लेट्स गेट स्टार्ट सबसे पहले मैं अपने फेस पे प्राइमर अप्लाई करूँगी क्योंकि प्राइमर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये हमें स्किप नहीं करना है मेकअप के टाइम पे आपके पास किसी भी ब्रांड का प्राइमर है आप वो अप्लाई कर सकते हैं मैं यहाँ पे लैक्मे का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ और प्राइमर को अच्छे से अपने नेक एरिया पर भी अप्लाई करना होगा अदरवाइज आपका नेक एरिया अलग सा नज़र आएगा तो कभी भी आप मेकअप कर रहे हैं तो नेक एरिया को कवर करना बिल्कुल ना भूलें और अब इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करूँगी तो यहाँ पे मैं लैक्मे सीसी क्रीम के साथ ये मेकअप लुक क्रिएट करूँगी तो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी फिंगर टिप की हेल्प से ही पूरे एक फेस पे इसको अप्लाई कर लिया है अपने नेक एरिया पे भी मैं इसको अप्लाई कर लूँगी डॉट डॉट करके और यहाँ पे मैं कोई कंसीलर का यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज़ ये डेली मेकअप रूटीन है मेरा तो इसमें कंसीलर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मैं आईज पे भी सीसी क्रीम के साथ ही मेकअप को अप्लाई करूँगी और इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी और अपने कानों के आसपास का एरिया भी आपको कवर करना है जिससे कि कुछ भी अलग सा ना नज़र आए डार्क और फेयर नज़र ना आए तो सब कुछ इवन सा हो जाएगा तो आप गले को कवर करना बिल्कुल नहीं भूलें और अपने कानों के आसपास के एरिया को भी कवर ज़रूर करें जब भी आप कोई मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं कर रही हूँ अगर आप चाहें तो आप अपने उंगलियों की हेल्प से भी पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट ले रही हूँ हल्का सा अपने फेस पे सेट कर लूँगी जिससे कि जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और बहुत ज़्यादा क्रीज नहीं होगा तो यहाँ पे मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज़ मेरी ऑयली स्किन है अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ऐसे ही रहने दीजिए आपको कॉम्पैक्ट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी अब मैं अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करूँगी बिकॉज़ मेरी आईब्रोज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्क है तो मैं ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी इसको सिर्फ एक शेप दे रही हूँ ब्रश की हेल्प से आईब्रोज़ आप डिफ़ाइन करेंगे तो एक चेहरे का जो लुक है वो बहुत अच्छा आता है तो अब यहाँ पे मैं लाइट सा ऑरेंज कलर का जो आई शेडो है वो अप्लाई कर रही हूँ आईलेट पे और आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी आईलाइनर मैं यहाँ पे मेबलिन का अप्लाई कर रही हूँ जिसका एप्लीकेटर बहुत ही अच्छा है और अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत अच्छे से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और आईलाइनर की ट्रिक भी मैंने पिछली वीडियोस में बताई है आप जा कर के चेक कर सकते हैं चैनल पे
और यहाँ पे लास्ट में मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी। मस्कारा जो है वो आईज़ को बहुत ही अच्छा लुक दे देता है। तो यहाँ पे मस्कारा अप्लाई हो चुका है एंड लास्ट में आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है। लास्ट में मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी अपने एरियाज़ को, फेस पे जो भी हाईलाइटेड एरियाज़ हैं उनको, जैसे कि ब्राउ बोन को हाईलाइट किया है मैंने, नोज़ को किया है, अपने चीक बोन एरिया को हाईलाइट कर रही हूँ। हाईलाइटर मुझे बहुत पसंद भी है क्योंकि ये फेस को एक अलग हाईलाइट सा कर देता है और बहुत ही शिमरी सा लुक देता है। तो अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप स्किप कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अब यहाँ पे मैं रेवलॉन की रेड हॉट लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ जो कि मेरा फेवरेट कलर है, और ऑल्सो ये इसमें जो है ये मॉइस्चराइज भी कर देता है मेरे लिप्स को, तो ये मैट नहीं है इसलिए मुझे बहुत पसंद है। लास्ट में बिंदी मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि मैं मैरिड हूँ, आप अगर अनमैरिड हैं तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। और नाउ मेकअप लुक तैयार है, आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से ये मेकअप लुक हो गया और बहुत ही आसान तरीके से आप भी इसे कर सकते हैं। से और कितनी फटाफट से आप ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकती हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस दिख सकती हैं। सो अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया है तो आपको करना है मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलती हूँ अगले बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।